हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इन टू। सो बात करेंगे नए टॉपिक पे और टॉपिक होगा माइक्रोस्टेट्स। ये माइक्रोस्टेट्स का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली माइक्रोस्टेट्स को पढ़ाया जाता है आप जब इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स सिंबल्स के बारे में पढ़ते हो या जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। बट एक्चुअली इसको पढ़ाया जाना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फिल करना सिखाया जाता है। हमने 11th स्टैंडर्ड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल है और अगर हमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो हमें ये सिखाया जाता है कि आप अगर जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास पी ऑर्बिटल है, पी सबशेल है जिसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, लेट अस से पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और मानो मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको अगर मैं कहूँ मुझे बताओ दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे अरेंज करूँगा, तो आप मुझे कहोगे कि हम लोगों ने कहीं पे वहाँ पे तीन रूल्स पढ़े हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में, जिसमें से एक रूल जो है वो हमको ये कहता है, जिसको कहा जाता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो हमको ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते समय आप कभी भी पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करो। तो आप नॉर्मली आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को भर दोगे और आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को भर दोगे और आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, दिस इज हाउ यू फिल अप एन इलेक्ट्रॉन। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू, रियली इज दिस द ओनली वे आप इसको ऐसे ही सिर्फ भर सकते हो क्या? सर नहीं सर, एक्चुअली पी सबशेल में जहाँ तीन ऑर्बिटल्स होती हैं वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स को भरने के 15 अलग अलग तरीके होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से भर सकते हो। हाँ, ये जो तरीका है भरने का जहाँ एक इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, जहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा और दोनों आपके पैरेलल होने वाले हैं, यानी एंटी पैरेलल स्पिन नहीं होगी, दोनों की पैरेलल स्पिन होगी, ये तरीका सबसे स्टेबल तरीका है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन, बट इट इज नॉट द ओनली कॉन्फिगरेशन। देर आर 15 वेज इन विच यू कैन फिल अप दिस टू इलेक्ट्रॉन्स इन योर पी सबशेल। व्हाट आर दोस 15 वे? दिस आर दोस 15 वेज। आप इनको इस तरीके से भर सकते हो। कैसे? अब इसको समझने की कोशिश करना। सर देखिए, मेरे पास मैं यहाँ पे तीन ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करता हूँ जहाँ पे मैंने उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा है +1, 0, -1, और मेरे पास पी सबशेल है जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं इसको फिल कैसे करूँगा? मैं पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखता हूँ, सो लेट मी डू दिस। मैं पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखता हूँ, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को उसके एंटी पैरेलल भी अरेंज कर सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ अरेंजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, बट द मोस्ट स्टेबल विल बी दिस, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है। बट ये भी एक तरीका है। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल यहाँ पे आ सकता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो दूसरा वाला यहाँ हो सकता है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अब मेरा इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम रहेगा पर इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन अब ऊपर हो जाएगा। सो दोनों पैरेलल होंगे बट अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे। फिर ये इधर होगा तो ये वाला अब यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। अब दोनों यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। अब दोनों के बाद ये ऊपर रहेगा और ये नीचे जा सकता। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और बुक में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। प्लीज़ डू इट इन विद मी इन योर बुक, तो आपको ये बेटर वे में समझ में आएगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 वेज ऐसे हैं जिसमें ग्रीन कलर का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी उसका स्पिन फिक्स है, जो रेड कलर का इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्पिन बदल रहा है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वे। आपने एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन को फिक्स रखा और बाकी के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो अपना स्पिन बदल रहा है। पहले वो यहाँ पे एंटी पैरेलल था, फिर उसका पोजीशन यहाँ चला गया, फिर वो पैरेलल में यहाँ आ गया, फिर वो पैरेलल में आ गया, अब इसका पोजीशन शिफ्ट हो गया, वो पैरेलल में, दूसरे बार में ये यहाँ होगा और वो एंटी पैरेलल में आ जाएगा। सो दिस आर 6 वेज। नाउ अगले 6 वेज कौन से होंगे? अब अगले 6 वेज में आप ग्रीन कलर का जो इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन उल्टा कर दो, उसका पोजीशन उल्टा कर दो और बाकी इलेक्ट्रॉन को जैसे आपने रेड के साथ किया अब यहाँ पे आप उसको ब्लैक के साथ करो। सो अगेन व्हाट यू विल बी गेटिंग विल बी 6 वेज ऑफ डूइंग दिस। बस दोनों में फर्क क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो था अब उसमें वो दूसरे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बदल जाएगा और आप फिर इसको स्विच कर करके लिख सकते हो। द लास्ट 3 वेज विल बी, तो 6 वेज यहां पे आपके पास 6 वेज हो गई हैं, यहां पे आपके पास 6 वेज हो गई हैं और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, दोनों इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकते हो। ना ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग पेयर्ड, जब भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो वो कभी भी एंटी पैरेलल नहीं होंगे, वो हमेशा एंटी पैरेलल होंगे। क्योंकि आपने कहीं ये पढ़ा होगा कि मेरे जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करते हैं। यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है और यहाँ पर भी अगर ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो इसका साउथ ऊपर होगा, इसका भी साउथ, इसका नॉर्थ नीचे होगा, इसका नॉर्थ नीचे होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में एक साथ रहना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, यानी जो साइड वाला इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो अपोजिट स्पिन में जाना चाहिए, तब उसका साउथ नीचे होगा, नॉर्थ ऊपर होगा, यहाँ अट्रैक्शन होगा और यहाँ पर रिपल्शन होगा। दिस विल बी रिपल्शन, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। सो टू इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर पैरेलल तो वो एक साथ एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते। अगर वो एंटी पैरेलल हैं, यानी एक इधर है और दूसरा इस तरीके है, तो ही वो एक साथ एक ऑर्बिटल में स्टे कर सकते हैं। सो आप इन दो इलेक्ट्रॉन्स को यहां रख सकते हो, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां आ सकते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां आ सकते हैं। सो इफ यू काउंट दिस आर 3 वेज,
ओके, इफ यू काउंट देर आर 6 6 12 + 3 देर आर इन टोटल 15 वेज जिसमें आप अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को तीन ऑर्बिटल्स में फिल कर सकते हो। बट इसमें सबसे स्टेबल फिलिंग का जो तरीका है जिसको हम रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहा जाता है, अब उसको मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या होता है, बट द बेस्ट वे या मैं कहूँ जिससे सबसे स्टेबलेस्ट वे जो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की सबसे कम एनर्जी होने वाली है वो आपका ये वाला तरीका होगा। दिस विल बी दैट वे जहां पर आपको सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाली है। दिस इज दैट वे। नाउ अगला क्वेश्चन ये उठता है, सर क्या हमें हर बार ये ऐसे ड्रॉ करके देखना पड़ेगा? इज देयर सम फॉर्मूला फॉर माइक्रोस्टेट्स? सर यस, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर माइक्रोस्टेट। आप माइक्रोस्टेट का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो। फॉर्मूला आपसे ये कहता है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स इन होल फैक्टोरियल। ना यहाँ पर n का मतलब क्या होता है? सर यहाँ पर n का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सबशेल। आप जिस सबशेल की बात कर रहे हो वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं इन दैट सबशेल, ठीक है। और x का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट यू आर फिलिंग। आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो, तो देखने की कोशिश करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेट अस स्टार्ट विद P2, लेट अस टेक P3 एज एन एग्जांपल, लेट अस से P4 एज एन एग्जांपल, P5 एंड लेट अस से P6 एज एन एग्जांपल। मतलब अगर मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरने की कोशिश करूँ, सिर्फ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो मैं कितने अलग अलग तरीके से भर सकता हूँ? अगर मैं थियोरेटिकली बताऊँ तो 6 तरीके हो सकते हैं। कैसे? एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, फिर स्पिन उल्टा कर दो, फिर वो यहाँ होगा, फिर वो यहाँ हो सकता है, फिर वो यहाँ हो सकता है, यानी टोटल 6 वेज हो सकती हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट आउट। तो मेरे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा भाई बताओ? सबसे पहले n फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने जा सकते हैं? 6, बिकॉज मेरे p ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो आई विल बी राइटिंग 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या आएगा, x फैक्टोरियल, आप कितना इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, 1, सो दिस विल बी 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस, दैट इज 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल को मैं लिखता नहीं हूँ, एंड दिस विल बी योर 5 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, आई कैन राइट दिस इज 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 6। सो देर आर 6 वेज इन विच यू कैन अरेंज सिंगल इलेक्ट्रॉन। वॉट अबाउट P2? आप अगर P2 को अरेंज करने की कोशिश करोगे, हमने ऑलरेडी थियोरेटिकली देख लिया आप 15 तरीके से कर सकते हो, लेट्स फाइंड आउट मैथमेटिकली। तो दिस विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब आप कितने इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो, अब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो, सो दिस विल बी 2 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, आंसर क्या आएगा? अब देखो, दिस विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इन टू, ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 विल बी 4, सो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को अरेंज कर दो जरा, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 4 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 × 1 को मैं 2 लिख रहा हूँ, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 5 × 3 = 15। सो दिस आर 15 वेज जिसमें आप इस इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो। वॉट अबाउट P3? जरा P3 को भी करने की कोशिश करते हैं। P3 को अगर आप अरेंज करोगे तो ऊपर तो 6 फैक्टोरियल फिक्स है, सर याद रखना n फैक्टोरियल का वैल्यू फिक्स होता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हो या कौन से सबशेल की बात कर रहे हो। आर यू स्पीकिंग अबाउट s, आर यू स्पीकिंग अबाउट p, और आर यू स्पीकिंग अबाउट d? अगर आप d की बात करोगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो लेट मी राइट डाउन। अगर p की बात करोगे तो इट हैज टू बी 6 फैक्टोरियल, अगर s की बात करोगे इट हैज टू बी 2 फैक्टोरियल, अगर d की बात करोगे तो इट विल बी 10 फैक्टोरियल। सो ये याद रखना प्लीज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो, 3, सो दिस विल बी 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, बराबर। तो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, सो दिस विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एम आई करेक्ट? तो सॉल्व करता हूँ, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, वहाँ तक लाके छोड़ सकता हूँ, होल डिवाइडेड बाय दिस विल बी 3 फैक्टोरियल इंटू, इसको कर दो 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 = 4, 3 × 1 = 3, 2 = 6, नाउ इफ यू सी, सो 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, सर 20 तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। तो इफ़ यू हैव गॉट 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो आप 20 तरीके से उसको अरेंज कर सकते हो, जिसमें से एक ऐसा तरीका होगा जो सबसे स्टेबल तरीका होगा, यानी जो यूजुअली ग्राउंड स्टेट पे, जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट पे वो इलेक्ट्रॉन वैसे रहेंगे, आप अगर उसको एनर्जी देना स्टार्ट करोगे तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 20 तरीके से जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 15 तरीके से जा सकते हैं, देयर विल बी 15 वेज, और आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 6 वेज में जा सकता है, 6 वेज में। सर P4
P5 और P6 का आप खुद ट्राई करके देखना और देखना कितने अलग अलग तरीके आपको मिलते हैं। इवन आई वुड लव टू आस्क यू कि आप इस तीन इलेक्ट्रॉन को जो कि 20 वेज हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया, आप ऐसे 20 वेज में उसको ड्रॉ करके देखो एंड जस्ट सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वेज यू कैन फाइंड इट आउट, यानी कितने अलग अलग माइक्रो स्टेट्स आपको मिल सकते हैं और वो 20 अलग अलग माइक्रो स्टेट्स होने चाहिए। सो दिस इज जस्ट लाइक एन असाइनमेंट दैट आई एम गिविंग यू, जस्ट सॉल्व इट आउट एंड जस्ट लेट मी नो, मुझे बताओ जरा कि आपको अलग अलग वेज में वो मिलते हैं कि वो नहीं मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको माइक्रोस्टेट्स का मीनिंग समझ में आया, मुझे उम्मीद है माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला आप याद रखोगे। ये माइक्रोस्टेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो इस साल भी आने का चांसेस है, एंड माइक्रोस्टेट्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है समझ में आया, थैंक यू।